नज़रुन शहदाद कोर्ट में असगरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पारा 15 जोड़न की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़द कई वही है। इन हवाले से रिपोर्ट कर रहा है शाहिद अहमद। शहदाद कोट के मजदूर शादी हाल में असगरिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान पारा शहदाद कोट की तारीख में पर्यों भेरों 15 इज्तिमाई शादियों जो प्रोग्राम मुनक़द कर अचो तो शरीक मानों से गाल बोल क्यों घोटकुआर से तो इन प्रोग्राम के शहदाद कोट के भी ज़ाहिरा बरसात ए सैलाब मुतासर कर इन हवाले से इतने प्रोग्राम मुनक़द किया बरा ढी खुशी थी अस न पा समझूँ को एतो रेस्पॉन्स मिलन असाजे कारकुन रजाकार मुख्तलिफ़ इलाक़ की सर्वे कर 15 इज्तमाही घोटन से राबो कर तंजीम के तरफा अज के दिहाड़े से शादी के इन बंधन में बधजन वाले जोड़न के असं पे तरफा 50-55 हज़ार का मथे जो दाज उन बुनियादी जरूरतों पूरी करहतमाम रखो बुनियादी मकसद सिर्फ यो एक शादी अहम इस्लामी फरीज हुआ इन के इस्लामी तौर से आम नंबर हर वालिद की ख्वाहिश क्या होती है तो मुझे बचड़े जे जो पासो मुझे अंगण से खुशियों ढी सुठी गाल है उनके करे इन भी वधिक अहमियत वाली गाल है जो ये बोड वाली जका सूरत हाल हुई जैमें मानू इंतहाई परेशान हुआ शादी न पा कर सकन सो उनके करे इन यो आगाज करे ढो चंगी गाल कई दन कभी किसी को न रुसवा किया जमान में इन प्रोग्राम में इज्तिमाई है मौला जी विलादत जो डी है जो है सो अस इन कुंवरन के ऐसी पाई भेन के ऐसी इंतहाई खुश आयूँ अल्लाह से इन हमेशा आबाद रखे शाद रखे हमेशा पाँच घर में खुश रहन तमाम बेहतरीन प्रोग्राम है खुसूसन मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके से जी तो हालात जड़ा इन हवाले से गरीब जोड़न की शादी जो को इंतजाम ना है अस्करिया के जस आए तो जै इन तकरीब इंतजाम करे उनन जो मसलो हल कयो खुदावंद आलम साईं वारन के अजरे अजीम अता फरमाए उन जेके जेके असा जा घोट या कुआरू जिनन में जे ही इज्तिमाई शादी थी रही है उन में माशाल्लाह पसमाइंदा इलाका हैं गरीब हैं बोड मुतासिर उन्हें एक वड़ी मदद आ एक वो उन्हों सहारो आसा हमेशा यो दुआगू रहंदी तो दोस्तान अड़ा इज्तिमा कोठा प्रोग्राम में शरीक घोट कुंवर ए पार्टिसिपेट जो अं गाल बुधियं उन्हें यो ही चवण है तो हि इंतहाई खुशियन भर जो प्रोग्राम है इन उम्मीद दिखारी है तो इंदड़ वक्त में भी अड़ा प्रोग्राम मुनक़द कर गरीब मिस्किन मानून की मदद जो सिलसिलो है वो जारो रखी वो कैमरामैन अर्शद शेख से गुड शाहिद अवान आवाज़ टीवी न्यूज़ शहदाद।